सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों 2021 निकल चुका, अब 2022 नया साल आ गया है। तो फिर दोस्तों हम लोगों को भी अब नए नए तरीके अपनाने होंगे अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों इसी को देखते हुए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नए साल के शुरुआत के महीनों में आप फर्स्ट 100 एक्टिव सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन क्रिएटर्स के लिए जिनके चैनल में अभी तक एक्टिव 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको 100 सब्सक्राइबर का बेनिफिट बता देता हूँ। दोस्तों पहले तो हमारे चैनल का कस्टम यूआरएल मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो हम सोचते हैं कि एक यूट्यूबर बनने का, तो दोस्तों यूट्यूबर बनने का जो फासला जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है 100 एक्टिव सब्सक्राइबर से। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके चैनल में 100 एक्टिव सब्सक्राइबर होगा, उसके बाद जब भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे उसके बाद आपके चैनल में जो एक्टिव 40-50 व्यूज आएंगे, तो उनके एंगेजमेंट के ऊपर निर्भर करके यूट्यूब एल्गोरिथम जब देखेगा कि एक न्यू चैनल में इतने जल्दी इतने ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे, उसके बाद दोस्तों एल्गोरिथम और ज्यादा लोगों के पास आपके वीडियो को रिकमेंड करेगा। और जैसे ही दोस्तों आपको ये 100 एक्टिव सब्सक्राइबर मिल जाएगा, उसके बाद आपके सामने 1000 सब्सक्राइबर पे कंप्लीट करना कोई कठिन नहीं लगेगा, और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना भी कोई कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे के ऊपर के 100 सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे छोटे से फैमिली का सदस्य नहीं हुए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है नए यूट्यूबर है, हम लोगों के बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि आपका जो कंटेंट या फिर निश है उसको आपको ठीक रखना होगा। निश मतलब दोस्तों आपका वीडियो या फिर आपका चैनल किस कैटेगरी का है। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज को सोचिए कि अगर आपके चैनल में अगर हर तरीके का कंटेंट, जैसे मान लीजिए गेमिंग रिलेटेड हो गया, टेक रिलेटेड वीडियो हो गया, या फिर कुकिंग रिलेटेड हो गया, इस तरह के अगर आप मिक्स कंटेंट अपलोड करते तो फिर दोस्तों दर्शक जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके चैनल में सभी के सभी कंटेंट उल्टा पुल्टा है, और दोस्तों आपको कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों कोई व्यूवर जब आपके एक वीडियो को देखकर आपके चैनल में आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो अगर दूसरे टॉपिक पे होता है तो फिर दोस्तों वो तुरंत ही आपके चैनल से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यूवर्स अगर आपके एक वीडियो को देखकर आपके चैनल में आता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो भी सेम टॉपिक रिलेटेड होता है, तो फिर दोस्तों वो आपके चैनल के 2-4 वीडियो को देखकर उसके बाद अगर उसको अच्छा लगता तो फिर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई व्यूवर आपके एक वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देता होगा? नहीं दोस्तों, कोई भी व्यूवर जब आपकी वीडियो को देखता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो जब उस व्यूवर्स के ब्राउज फ्यूचर में फिर से आ जाता है तो फिर उस वीडियो को भी वो देखता है। इसी तरह से आपके 3-4 वीडियो को देखने के बाद फिर जाकर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है, और यही दोस्तों हकीकत है। आप दोस्तों एक बार खुद को ही देख लीजिए ना कि आपने जब किसी चैनल को सब्सक्राइब किया था तो क्या उस चैनल के एक वीडियो को देखकर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा? नहीं ना, आपने कम से कम उस चैनल के 10-12 वीडियो को देखा होगा, उस चैनल के बारे में समझा होगा, फिर जाकर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपके चैनल के निश को ठीक रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और अब दोस्तों सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो दोस्तों वाटरमार्क। जी हाँ दोस्तों, ऐड अ वाटरमार्क इन योर वीडियो। हम बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अभी तक अपने वीडियो में वाटरमार्क नहीं यूज करते। आपको इस कॉर्नर में एक वाटरमार्क दिख रहा होगा जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से देख रहा है, या फिर मोबाइल को अगर आप रोटेट करके देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। वहां पर अगर कोई क्लिक करता है या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का कर्सर अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर YouTube ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है एक नए YouTube चैनल के लिए। इसको हम लोग भी यूज करते हैं और आप लोग भी जरूर यूज करना चाहिए। और अब दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो दोस्तों हैव एन अपलोड वीडियो शेड्यूल्ड। आप वीडियो को अपलोड करते वक्त उसको शेड्यूल कर दीजिए। आप जब किसी वीडियो को शेड्यूल करते हैं तो फिर वो वीडियो उस टाइम ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, और फिर इससे उस वीडियो में और भी ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर आएगा। क्योंकि दोस्तों व्यूवर्स अब देखेगा कि आपने किसी वीडियो को शेड्यूल कर रखा है और कुछ देर बाद वो वीडियो अपलोड होगा, तो फिर दोस्तों व्यूवर्स के मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगा उस वीडियो को देखने का। क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सोच के देखिए कि आपने किसी वीडियो को शेड्यूल कर रखा है 9 बजे का, फिर दर्शक जब उस वीडियो को देखेगा कि आज 9 बजे ये वीडियो पब्लिश होने वाला है, तो फिर दोस्तों आपके चैनल में अगर 100 एक्टिव सब्सक्राइबर रहता है या फिर 10 भी अगर एक्टिव सब्सक्राइबर रहता है तो फिर वो 10 सब्सक्राइबर भी आपके उस वीडियो को देखेगा, और फिर वो 10 सब्सक्राइबर उस वीडियो को देखने की वजह से, बहुत कम समय के अंदर देखने की वजह से, वीडियो का इंप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपका व्यूज और वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, और साथ में आपका सब्सक्राइबर भी गेन होगा। और अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम सभी यूट्यूबर सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं, वो दोस्तों एक अट्रैक्टिव थंबनेल। आपके वीडियो में व्यूज लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एक बढ़िया क्वालिटी का थंबनेल। इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। और अब दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो दोस्तों मेक लॉन्ग वीडियो। दोस्तों 2022 में आने के बाद एक नए यूट्यूबर के लिए सजेस्ट करूंगा
कि अपने वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाइए, मिनिमम 6 से 10 मिनट तक बनाइए, क्योंकि दोस्तों 2022 में आने के बाद आप अपने ऑडियंस रिटेंशन को जितना ज्यादा पकड़ के रख सकते हैं उतना ज्यादा आपके वीडियो में इंप्रेशन बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा और साथ ही सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने की तरफ फोकस कीजिए और आपका वीडियो दोस्तों लोगों को पसंद आना चाहिए। आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहना सीखिए, तभी आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे। और अब दोस्तों छठा जो पॉइंट है वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि आपका जो निश है उस निश के ऊपर जो सारे टॉपिक ट्रेंडिंग में है उसको आपको थोड़ा फॉलो करना होगा। और साथ ही आपके निश से रिलेटेड जो सारे टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक अगर आप अपने चैनल में अपलोड कर सकते हैं तो फिर निश्चित तौर पर उस वीडियो में ऑर्गेनिक व्यूज पहले से भी ज्यादा आएगा और इससे आपके चैनल में सिर्फ 100 सब्सक्राइबर नहीं उससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगा बहुत ही कम समय के अंदर। तो फिर दोस्तों आप जरूर कोशिश करना कि आपके निश से जुड़े वायरल और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो अपने चैनल में अपलोड करने की। और अब दोस्तों सातवां जो पॉइंट है ये भी बहुत ही ध्यान से आपको फॉलो करना होगा और वो है दोस्तों चैनल कस्टमाइजेशन। आपके चैनल को बहुत ही सही से प्रोफेशनल तरीके से उसको कस्टमाइज करना होगा। इसमें आपका चैनल का लोगो हो गया, चैनल आर्ट हो गया, चैनल का अबाउट सेक्शन हो गया, चैनल कीवर्ड हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, ये सब चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से कस्टमाइज करना होगा। दोस्तों चैनल कस्टमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है आपके चैनल के लिए। एक चैनल में व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ही तेजी से ग्रो होता है इस चैनल कस्टमाइजेशन से, क्योंकि जब कोई व्यूअर आपके चैनल में आएगा और आपके चैनल का चैनल आर्ट और चैनल का लोगो अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर वो सोचेगा कि ये कोई पॉपुलर यूट्यूबर नहीं है, तो फिर इसको सब्सक्राइब करके भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपके चैनल को बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से इसको कस्टमाइज करना होगा। और अब दोस्तों आठवां और फाइनल जो पॉइंट है ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है और वो है दोस्तों आपके निश्चय रिलेटेड जो सर आपके फेवरेट चैनल है उनके कंटेंट को फॉलो कीजिए और साथ ही उसके टाइटल्स और टैग्स को भी कॉपी कीजिए। वो किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, क्या टाइटल डाल रहा है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, क्या क्या टैग्स यूज कर रहा है, इन सब चीजों को आप कॉपी कीजिए। तो फिर दोस्तों जब कोई उसका वीडियो को देखेगा तब दोस्तों उसके वीडियो के सजेस्टेड में आपका वीडियो भी जाएगा और इससे आपके वीडियो में बहुत तेजी से व्यूज इंक्रीज होगा। और दोस्तों इस चीज को पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ और इन्हीं सब चीजों को अगर आप सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका चैनल भी बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होगा और आपका चैनल भी बहुत ही कम समय के अंदर एक सक्सेसफुल चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूनिक कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।